हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में प्री बोर्ड, मेरे अपने कॉलेज में होने वाले प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर का सोल्यूशन। हम शुरू करेंगे ग्रामेटिक पोर्शन से, आइए देखते हैं। आई सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, दो नरेशन आते हैं, आपको एक करना होगा, 2 मार्क्स का, ठीक है। ग्रामेटिक पोर्शन 25 मार्क्स का है कंप्लीट, इसमें ग्रामर है, यू नो वोकैबुलरी है, और फाइनली हिंदी टू इंग्लिश 5 मार्क्स का ट्रांसलेशन है। ये है यूपी बोर्ड के पैटर्न के आधार पर कराया गया पेपर। आइए शुरू करते हैं। तो आई सेड, मैंने कहा अपना टाइम वेस्ट मत करिए, दो तरह से करेंगे। अगर डू नॉट को कंसीडर करते हुए हम फॉरवर्ड लगाते हैं, एक मेथड ये है, या फिर हम इसे फॉरवर्ड के बजाय सीधे ऑर्डर्ड से करेंगे। तो आई ऑर्डर्ड, पहला मेथड, डू नॉट का करते हैं नॉट टू वेस्ट हिज या हर टाइम, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। जब ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो योर को या तो हिम मानेंगे या हर मानेंगे, तो हिम मानते हुए हिज करेंगे, टाइम कर देंगे, और अगर यहां पर हम हर मानेंगे तो लास्ट में हर टाइम कर देंगे। दूसरा पैटर्न है, हम डू नॉट की वजह से फॉरवर्ड का यूज करते हैं, यानी कि मना किया तो हो जाएगा आई फॉरवर्ड, मैंने मना किया तो हो जाएगा टू वेस्ट हिज या हर टाइम, ठीक है। दोनों मेथड को मैंने एक साथ लिखा है, कोई कंफ्यूजन हो तो इसे दोबारा देख के हम समझ लेंगे। नेक्स्ट है, माय टीचर सेड टू हिम, मेरे टीचर ने उससे कहा यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन नाउ, तुम अपनी एप्लीकेशन अब भेज सकते हो। इसे इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, असर्टिव टाइप है, सबसे पहले टाइप पहचानते हैं, टाइप देखते ही सेड टू का हो गया टोल्ड, तो माय टीचर टोल्ड हिम दैट। उसके बाद यू सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यू को बदलेंगे हिम से, हो जाएगा ही कैन। दूसरा क्या काम करते हैं, हम बैलेंस करते हैं रिएक्शंस की तरह केमिस्ट्री की टेंस को, तो ये पास्ट है, ये प्रेजेंट, तो कैन का हो गया कोड। उसके बाद सेंड, यू के साथ योर था लेकिन अब ही आ गया तो ही के साथ हिज हो गया, एप्लीकेशन अपनी जगह, और नाउ को एनओ वाउ नाउ की जगह टी एच ई एन देन रखेंगे, टी एच ए एन देन रखते हैं डिग्रीज में, जिसका मतलब होता है अपेक्षाकृत, इसका मतलब है नाउ का देन, यानी कि तब, क्लियर। नाउ मीन्स अब और देन मीन्स तब। नेक्स्ट है, आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं तुम्हें ड्रेस दे सकता हूं, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माता जी ने मुझे गिफ्ट की थी। इसे करना है कॉम्प्लेक्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं तुम्हें ड्रेस दे सकता हूं, कॉम्प्लेक्स के लिए विच लगाएंगे, विच माई मदर गिफ्टेड टू मी, जो मेरी माँ ने मुझे दी। करना क्या है, यहां से इट हटाना है, इट जिसके लिए आया है उसकी जगह पर विच यानी कि जो की, ठीक है, इट हटाएंगे विच लगाएंगे, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, आई सॉ द ताज, मैंने ताज देखा, कंपाउंड करना है, कंपाउंड करने की आई वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताज, और ताज देखा, दोनों में से ये दूसरा वाला हम सब्जेक्ट हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, क्लियर, एंड लगाकर कंजंक्शन का यूज। अब पैसिव करना, आई कैन डू इट, सिंपल है, इट पहले, इट कैन बी डन बाय मी, इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर कोरोना, ये कोरोना की सबसे प्रभावशाली दवा है, कॉम्पेरेटिव डिग्री में करना है, तो दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर कोरोना, ये इस तरीके से करें, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द सेंटेंसेस या सिंथेसिस, You are senior than me. Then हटाना है, to लगाना है, You are senior to me हो जाएगा। Cattles are grazing, कभी भी cattles नहीं आता, यहां हो जाएगा cattle are grazing। Next है question, idioms and phrases, बहुत ही important है, आइए देखते हैं। Die in harness, काम करते हुए मरना, ध्यान रखिए 2 marks के idioms में, ध्यान रखिए 2 marks के idioms में 1 mark उसके meaning का है, चाहे हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, और 1 mark सेंटेंस में यूज का है। सोल्जर्स डाई इन हार्नेस इन द बैटल, सिपाही युद्ध के मैदान में काम करते करते, एक तरह से उनका एक जॉब है, इसलिए डाई इन हार्नेस आया है, वीरगति को प्राप्त होते हैं। अ नैरो स्केप, बाल बाल बचे, व्हेन वी वर ट्रेवलिंग इन द फॉरेस्ट, जब हम जंगल में टहल रहे थे, अ टाइगर केम, एक टाइगर आ गया, इट वॉज अ नैरो स्केप, और हम लोग बाल बाल बचे, एक तरह से नैरो स्केप का एग्जाम्पल है। अ रेड लेटर डे, सबसे ज्यादा बार बोर्ड एग्जामिनेशन में 1990 से मैं देख रहा हूँ ये आता है, सबसे महत्वपूर्ण दिन, तो 26th of January इज अ रेड लेटर डे इन इंडिया,
भारत में 26 जनवरी 15 अगस्त एक तरह से रेड लेटर डे है या महत्वपूर्ण दिवस है। एप्पल ऑफ वंस आई, बहुत प्यारा, वेरी डियर। तो एवरी चाइल्ड इज एन एप्पल ऑफ इट्स मदर्स आई, हर बच्चा अपनी माँ के लिए आंख का तारा होता है, यानी कि बहुत प्यारा। हाँ, तो अब शुरू करते हैं वोकैबुलरी सेक्शन। सबसे पहले आता है साइनोनिम्स, जिसका अर्थ है पर्यायवाची। तो दो दिए हैं, सीज जिसका अर्थ है रोकना, आप लिख सकते हैं स्टॉप, चेक, दोनों का मतलब रोकना। नेक्स्ट है एबल अर्थात योग्य, आप केपेबल भी लिख सकते हैं, आप एलिजिबल जो सबसे सही है वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एंटोनियम्स, जिसका अर्थ है विलोम शब्द। पहला है गैदर, इसका मतलब है इकट्ठा करना, आप इसको ऑपोजिट लिखेंगे स्प्रेड, यानी कि फैलाना। दूसरा है एक्सेप्ट अर्थात स्वीकार करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऑपोजिट लिखेंगे रिफ्यूज या डिनाई, मतलब ठुकराना। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द। द साइंस ऑफ फ्लाइंग एन एरोप्लेन, एरोप्लेन उड़ाने के विज्ञान को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एविएशन। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो चीजों को नकारात्मक पक्ष को देखता है, जो व्यक्ति चीजों के नकारात्मक पक्ष को देखता है इसे कहते हैं पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। इसको ऑपोजिट होता है ऑप्टिमिस्ट अर्थात आशावादी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट होमोफोन्स, बड़े इंपॉर्टेंट, अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट है वर्ब अर्थात प्रभाव डालना, मैंने लिखा है कोरोना हैज अफेक्टेड द होल वर्ल्ड, कोरोना ने सारे संसार को प्रभावित किया है, यानी कि कोरोना ने पूरे संसार पर प्रभाव डाला है वर्ब। इफेक्ट है नाउन, यानी कि प्रभाव। द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज वेरी बैड, उसी सेंटेंस को घुमा के लिख दिया है, कोरोना का प्रभाव बहुत बुरा है। एक प्रभाव डालना है, एक प्रभाव है ना, इंटरेस्टिंग दोस्तों। ओके, तो ये सेक्शन कैसा लगा फ्रेंड्स आपको, ये ग्रामेटिक पोर्शन 20 मार्क्स था, मैंने इस वीडियो के जरिए आपको प्री बोर्ड का पेपर मैंने सॉल्यूशन दिया है। अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें अपना मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल चैनल इंग्लिश बाय एस गोस्वामी। बाय, लॉट्स ऑफ लव।